नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। उर्मिला प्रताप सुपर 30 की ओर से आज चाणक्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वैसे छात्रों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया जो छात्र उर्मिला प्रताप सुपर 30 के पहले बैच के छात्र रहे हैं और आज उन्होंने IIT और नीट के क्षेत्रों में अलग अलग दुनिया के देश के अलग अलग हिस्सों में अपना अपना प्लेसमेंट लिया है। उन छात्रों को आज सम्मानित किया गया है। मौके पर अमरिंदरधारी सिंह, राज्यसभा के जो सदस्य अमरिंदरधारी सिंह मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा एक बार आप सुनिए। नहीं नहीं, मुझे तो अत्यंत मैं खुश हूँ, बट वो बेसिकली उनकी मेहनत है, मेरा तो बस सहयोग है। वो मेहनत करके उस जगह पहुँचे, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जो बिहारियों की स्थिति पूरे देश में है, सारे बिहारी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे IAS ऑफिसर हैं, चाहे बैंकर हैं, चाहे क्लर्क हैं, चाहे कुछ भी हैं, हमारे प्रदेश में तो आज। और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पुणे में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, और हमारा सारा पैसा वहाँ जा रहा है, तो ये तो बड़ा दुखद बात है। और मेरा तो ऐसे भी है कि मैं जो समाज के ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को 10th के बाद पढ़ाने के लिए, उसको मैं सपोर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। बट उसमें मेरा क्राइटेरिया है ब्राइटेस्ट ऑफ द पुअर। मैं फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसे सपोर्ट करूँ कि आगे जाके वो अपने जो भी एरिया में है, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, तो वो एक अच्छे ओहदे पर रहें। अब मुझे खुशी हो रहा है कि जो पहला बैच का बच्चा निकला है, किसी को 26 लाख का पैकेज है, किसी को 45 लाख का पैकेज है, किसी को 19 लाख का पैकेज है। अब आप ये बताइए, जिसका बाप अरवल में सब्जी बेचता था, उसके बेटे को मान लीजिए 20 या 25 लाख का पैकेज होगा, तो वो अब तो परिवार को उठा लेगा ना। एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, आपने कहा कि वो बच्चे जो हैं और अमीर लोगों से बोले कि जो दो बच्चों को पढ़ाने का काम करो, लेकिन जो बच्चों को आपने उठाकर यहाँ तक पहुँचाया, आप उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने से नीचे जो दबे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं? वो तो मैं अक्सर इनके इंस्टीट्यूट में बोल देता हूँ जाके कि भैया आप लोग वो करो। और ये जो इंटरव्यू में हमारे फाउंडेशन का नाम नहीं लेते हैं, उसका मुझे कोई भी मलाल नहीं है। मेरा कहने का मतलब, इन देयर इंटरव्यू दे शुड से दैट दिस द वे दिस फाउंडेशन इज़ वर्किंग। आप लोग भी जो भी सक्षम हैं, बिहार के भी लोग बहुत अमीर लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, अगर वो भी अपने तरीके से बिहार को की उन्नति में काम सहयोग करें, तो हमारा प्रदेश तो, एज आई राइटली सेड दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया टिल 7th century AD वॉज हिस्ट्री ऑफ बिहार। आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य ये है कि बिहार के लिए मेरे में जितनी औकात है, जो भी कर सकता हूँ मैं हेल्थ में, एजुकेशन में, मैं करूँगा। उर्मिला प्रताप सुपर 30 जो है हर साल 30 बच्चों को सिलेक्ट करती है और मुफ्त में पढ़ाती है। मुफ्त का मतलब? किस तरीके से आप लोग तैयारी करवाते हैं गरीब बच्चों? वो 2 साल हमारे यहाँ रहते हैं, खाना पीना फ्री है, टीचिंग फ्री है, हर चीज़ फ्री है, उनका एक पैसा नहीं लगता है। तो आपने राज्यसभा के सदस्य अमरिंदरधारी सिंह को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छात्रों का मेहनत है, उन लोगों का लगन है जो उन लोगों ने आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बड़ी खुशी होती है जब गरीब के बच्चे, बिहार के बच्चे पूरे देश भर में मजदूरी करते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना नाम कमाते हैं, और उसी क्षेत्र में उसी बिहार के बच्चे जब IIT जैसे क्षेत्रों में अपना अपना नाम परचम जो है वो लहराते हैं और ऐसे ऐसे जगह पर प्लेसमेंट लेते हैं जहां उनकी जो पैकेज है वो 26 लाख है, 40 लाख है, तो बड़ी खुशी की बात होती है। और साथ ही उन्होंने और भी कई कुछ बातें कही हैं, आपने सुना है राज्यसभा के सदस्य अमरिंदरधारी सिंह को। फिलहाल के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, तब तक के लिए धन्यवाद।